हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पनेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में चैप्टर 9 कब आओ के प्रश्न उत्तर। कल हमने चैप्टर को रीड किया था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 80। क्या लिखा गया है? पहले कहानी से जो है, पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो इसका उत्तर है, सेठ ने तो पहले ही सभी रंगों का नाम गिनाकर अवंती को कह दिया कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है। अवंती के पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा। दरअसल सेठ अवंती की दुकान पर कपड़े के रंग के लिए नहीं आया, वरन उसे परेशान करने के लिए आया था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था, उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। फिर सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा। फिर आगे है, कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है, अब भागो भी, बारिश होने लगी है तो गोभी, मामू लीला मौसी कहाँ है तो मूली, शीला के पास बैग नहीं है बैंगन, रानी बोली हमसे मत बोलो तो सेम, गोपाल कबूतर उड़ा दो तो पालक। फिर सही जोड़ मिलाओ। तो देखो ये जोड़ हम मिलाते हैं, प्रशंसा की तारीफ, फिर एक कतई का अर्थ होगा, फिर है बच्चों बुलंद को किसे मिलाएंगे हम, ऊंची है ना। फिर है बुलंद के बाद में आएगा कतई का है बिल्कुल, जरूर का है अवश्य, ईर्ष्या का अर्थ है जलन, हम इसे मिला दिया। ओके बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं मुहावरे में दिया गया है, चित्र को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है, उन्हें लिखो। अंधेरा तो चिराग तले अंधेरा, आरसी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आस्तीन तो आस्तीन का सांप, 11 तो 9 2 11 होना, ये मुहावरे हैं। फिर कहा गया कहो कहानी, विद्यालय गुरुजी छुट्टी बंदर डंडा, पेड़ केला ताली बच्चे भू, इन शब्द को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो बच्चों आप इसको सेम करना है इसका उत्तर। फिर उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है? रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? ये भी बच्चों आप सेम करना घर पे। समझदारी, रंगाई शब्द रंग से बना है, इस तरह और शब्द बनाओ, तो साफ से सफाई, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। फिर क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची उनका मतलब बताओ, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं है, तो कतई का मतलब बिल्कुल, अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया तो इरादा, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, हुनर मतलब गुण या खूबी, सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, आवाज़ मतलब स्वर, सेठ को ईर्ष्या होने लगी, ईर्ष्या मतलब जलन, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, खास मतलब विशेष, कैसा लगा आपत्ति के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम उसके कपड़ों शक्ल सूरत पालतू पशु बुद्धि आदि के बारे में बताओ। तो आपत्ति बहुत बुद्धिमान था, उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी, वह सिर पर टोपी पहने रहता था, उसके बड़ी बड़ी डाढ़ियाँ थी, वह दुबला पतला था, वह एक गधा पाल रखा था, वह अपनी बुद्धि से पहलवान था, आपत्ति बुद्धिमान भी था, जोड़े और ढूंढे। तो देखो बच्चों हम देखते हैं, दिन दिन मेला मैला,
ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई। किसी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदलता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखे कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो देखो बच्चों, अन तो अन्य, अनिल तो अनल, इत्र इतर, ग्रह घ्रु, रग राग, पवन पावन, देव दैव, समान तो सामान, ये एक ही जैसे शब्द हैं पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। कुछ कलाकारी, कब आऊँ वाले किसे को चित्र कथा के रूप में लिखकर रूप में लिखो। तो बच्चों आप ये स्वयं लिखना, ओके। फिर है क्या है फालतू, कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह वाक्य में कुछ सब फालतू है, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, तो पत्ती। फिर एक पीला पका पपीता काट लो, तो पीला। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी, तो ठंडी। जयबा बगीचे से दो ताजे नींबू तोड़ लो, तो ताजे। बेकार की फालतू बात मत करो, तो फालतू। ये शब्द इसमें डबल बार, फालतू और बेकार दोनों का अर्थ बच्चों एक ही होता है। बच्चों आज हमने चैप्टर 9 के प्रश्न उत्तर पढ़े, समझ में आए आपको? तो बच्चों इन प्रश्न उत्तर को जिसमें अपनी किताब में खाली जगह होती है उसके उत्तर आप किताब में लिख देना, जिसमें खाली जगह नहीं होती वो प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।